आगामी 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बेतिहाता स्थित सपा जिला कार्यालय पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक में समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित गोरखपुर जनपद के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को कैसे विरोधी दल के प्रत्याशियों के खिलाफ जीत दिलाई जाए और साथ ही साथ बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को लोगों की परेशानियों और सपा की नीतियों को प्रसारित करने को निर्देशित भी दिया। इस अवसर पर खुटहन की जमीन का फैसला सरकार के पक्ष में आने से खुश सपाइयों ने प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव को बधाई भी दी। जिला अध्यक्ष मोहसिन खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सपा आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारी जीत के साथ सरकार बनाने को संकल्पित है। आज आपने देखा होगा अखबारों में कि एम्स के मुद्दे पर जो खुटहन की जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो एम्स के निर्माण के लिए दिया था, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस जमीन को विवादित कह रहे थे। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय सांसद हैं, उनका कल अखबार में बयान छपा था कि जमीन विवादित है और मुकदमा हमारे पैदाइश से पहले का है। हम आपके मीडिया के माध्यम से बता चुके थे, जो मुकदमा जिसका निर्णय आज आया हुआ है वह दिसंबर 2015 में यही योगी आदित्यनाथ जी के सह पर रमन दास जी ने किया था और रमन दास जी के याचिका पर हाईकोर्ट ने स्टे किया था। आज वह स्टे खारिज हुआ है, उनकी याचिका ही खारिज हो गई और माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में आया है। माननीय न्यायालय के जो निर्णय आया है उसका मैं सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो आने वाले भी हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र लिख करके पहले ही आग्रह किया था कि गोरखपुर में एम्स बनना चाहिए। हम जमीन दे चुके हैं, लेकिन भाजपा के लोग नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि गोरखपुर में एम्स बने, इसलिए उन्होंने मुकदमा कराया था। अब वह साफ हो गया है कि जमीन निर्विवाद है, जिसको विवादित कहते थे वो विवादित नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि गोरखपुर में ही एम्स बने, दूसरी जमीन को भी उन्होंने गंदा स्वस्थान वाली दिया था। अब केंद्र सरकार को तय करना है कि खुटहन में बनेगा कि गंदा स्वस्थान वाली जमीन पर बनेगा। खुटहन की जमीन पर्याप्त है, 200 एकड़ से ज्यादा है और एम्स 200 एकड़ पर बनता है, इसलिए मेरा यह मानना है कि जो अब जमीन उपयुक्त है, पर्याप्त है, उसी पर एम्स बने। वैसे हम भागने नहीं देंगे, वो गंदा संस्थान पर भी बनाएंगे तो वहाँ भी बने। वहाँ अगर वो नहीं चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार जंगल सिकरी में 160 एकड़ जमीन जो GDA की है वो भी देने के लिए तैयार है। देखिए, भाजपा की नीयत साफ नहीं है। इन्होंने जो चुनाव हुआ था MP का, लोकसभा का, उसमें इन्होंने कहा था, वादा किया था, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, हर भारतीय के खाते में 15 लाख जाएगा और युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। ये अपने वादे से ये मुकर गए और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, इनके नेताओं ने कहा कि ये चुनावी जुमला था। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है और आज फर्टिलाइजर का जो पहले बंद है उसका शिलान्यास तो करना नहीं, उसे तो चलाना है, उनकी जिम्मेदारी है चलाने की। और एम्स जिसका शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं, यह हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो शिलान्यास कर देंगे, शिलान्यास में जो ईंट आएगी किस पैसे से आएगी। इसलिए कि उन्होंने जो बजट मार्च में पेश किया उसमें कहीं बजट में एम्स के निर्माण के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं किया है, इसलिए यह भी उनका चुनावी जुमला है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत साफ है, इसलिए खुटहन में 180 करोड़ रुपया होल लेन बनाने के लिए दे दिया,